वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खनन विभाग में कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक नई पहल की गई है। नई तकनीक के साथ हम यहां से घंटों की निगरानी करेंगे, सरकार के राजस्व को लूटने वाले माफियाओं पर दबिश बनाएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ व्यवस्था जारी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि बिहार के अंदर माफिया राज को खत्म करना है, लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना है। देखिए, बिहार के अंदर एक नया बदलाव और अवैध खनन पर रोक लगाने का एक नई पहल है। नए टेक्नोलॉजी के साथ हम घाटों का मॉनिटरिंग यहां से करेंगे। सरकार के राजस्व को लूटने वाले माफियाओं पर दबिश बनाएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ ये व्यवस्था जारी रहेगी और पूरी तरह से सरकार का, आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिए हैं कि बिहार के अंदर ये माफिया राज को खत्म करना, लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना। आज इसके माध्यम से जो हमारे साइट पर, खनन के साइट पर हत्याएं होती है, गोलियों की बारिश होती है, अवैध खनन के लिए गैंगवार लड़ाई होती है, वो सब भी कैद होंगे और दिखाई पड़ेंगे। और पूरी इसको और बृहत रूप से भी हम लोग आगे करेंगे। अवैध खनन हर हाल में रुकेगा, लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण बनेगा, राजस्व बढ़ेगा, लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा और जो कारोबारी आकर के इस कार्य में लगते हैं उनको भी शांति, सहूलियत और सहयोग मिलेगा।